इस वीडियो को देखने के बाद आप घर पर इजीली सर्च प्रोटेक्टर बना सकते हैं और अपने एक्सपेंसिव डिवाइसेस को सेफ रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पीवीसी सॉकेट बॉक्स, 2 3-पिन सॉकेट, 3-पिन प्लग, एमओवी, फ्यूज होल्डर, फ्यूज, केबल ग्लैंड, 1mm वायर, 1mm 3-कोर वायर, हीट श्रिंक ट्यूब या फिर इंसुलेशन ट्यूब। हमारे घरों में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन का वोल्टेज नॉर्मली 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के अंदर रहता है। उससे ज़्यादा वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खराब कर सकता है। जब आपके घर के आसपास कहीं आसमान से बिजली गिरती है, तब आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन का वोल्टेज अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम लाइटनिंग स्ट्राइक या पावर सर्ज कहते हैं। इसी पावर सर्ज के कारण हर साल लाखों लोगों के कंप्यूटर, फ्रिज, टीवी, फैन और भी बहुत कुछ खराब होते हैं, क्योंकि वो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ 14D431 के MOV। अगर कभी भी घर का इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज 275 वोल्ट से ऊपर जाता है, तब ये MOV शॉर्ट हो जाएगा और इसमें लगा हुआ फ्यूज जल जाएगा या फिर घर का MCB ट्रिप हो जाएगा और हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब होने से बच जाएगा। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ 5 एम्पेयर का फ्यूज। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।